बहुत अच्छा सवाल पूछ रहे हैं, आप कहाँ से आए, क्यों आए हैं। अगर हम आज देखा जाए कि हमारा जीवन वहाँ जीवन में होने वाली घटनाओं के बारे में सोचें तो ये पूछना भी मतलब बिल्कुल ही अलग बात है, पर अच्छी बात है कि मिट्टी किस तरीके से खराब हो रही है। मिट्टी का ही संदेश हम पूरे देश में दे रहे हैं। अभी तक के बिना किसी कंप्लेन के, बिना किसी प्रॉब्लम के 10 महीने हो गए हैं, और होना भी नहीं चाहिए क्योंकि हमारा देश है, देश के लोग भी हमारे हैं। जब सदगुरु ने स्टार्ट किया मिट्टी बचाओ अभियान लंदन से भारत तक के 30,000 किलोमीटर, तो लगा कि जब भारत के योगी मतलब इतना पूरा विश्व में अलग जगा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, तो क्यों ना हम अपने देश में ही जाएँ। और देश में हमने स्टार्ट कर दिया 26 मार्च 2022 को, कश्मीर तक हम होके आए, कश्मीर से गुजरात पहुँचे, गुजरात से अंदाबे के चलते चलते उड़ीसा में आ गए हैं। कश्मीर जो स्वर्ग कहते हैं, जो जन्नत कहते हैं, उधर लोगों ने रास्ते में बताया आप कश्मीर जा रहे हैं। यार कश्मीर हमारा है, हम कश्मीर के हैं, पूरा देश हमारा है, ये प्रेम है, धरती हमारी है, ये माँ है हमारी जी। और हम सभी को इतना मैसेज दे रही हैं कि जिस तरीके से मिट्टी ख़राब होती जा रही है, पूरी जे फर्टिलाइज़र केमिकल का इतना ज़्यादा फैला हो गया कि हम अति इतनी ज़्यादा कर चुके कि हमें पता ही नहीं है, रेत में कन्वर्ट होती जा रही है। ऑर्गेनिकता के लिए हमें बढ़ाना है, इसके लिए अवेयर करना है, और जब तक हम आप सभी आवाज़ नहीं उठाएँगे तब तक ये कुछ नहीं होगा। तो हम सभी से बस यही अनुनय विनय करते हैं, सभी से रिक्वेस्ट है कि इतना हम इसको अवेयरनेस करें कि देश की सरकारें इस पर नियम बनाएँ, और जब ये नियम में आ जाएगा तो हमारी पीढ़ी और अगली पीढ़ी को इससे लाभ मिलेगा। इस ये नियम में आना चाहिए, ये हमारा बात है, यही हमारा इधर तक के संदेश है, और आप सबसे हमारी रिक्वेस्ट है, वो आशा भी है कि इसके बारे में आप ज़रूर काम करेंगे। धन्यवाद।